हेलो डियर्स, दिस इज अरियान अलीहान, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखें, लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जो कि एक है 5i प्लस 3j माइनस 2k और दूसरा है 2i प्लस 7j प्लस ak, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए। एंगल गिवन है और दोनों वेक्टर्स गिवन है और हमारे पास ए की वैल्यू मांग रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है, जो कि बी वेक्टर है, उसमें ए की वैल्यू क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कि ए की वैल्यू क्या। ऑप्शन दिए गए हैं, फोर ऑप्शन है। तो देखिए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट बी है हमारे पास, जो कि ए हमने लिख लिया 5i प्लस 3j माइनस 2k इज इक्वल डॉट, जो कि डॉट प्रोडक्ट है आपस में, 2i प्लस 7j प्लस ए के। तो देखिए हमें पता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, गिवन डेटा है, जिसका मतलब है दोनों परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो नहीं होता। इफेक्टिव कंपोनेंट जब नहीं होता तो डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की जगह हम जीरो लगा लेते हैं और ये I with I कर देते हैं, J with J करते हैं, K with K करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि I जब J के साथ किया जाता है तो इससे जीरो रिजल्ट आता है, I with K जब किया जाता है तो हमारे पास जीरो आ जाता है। तो इसलिए I with I, J with J, K with K हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में I with J जीरो हो जाता है, I with K या फिर J with K, इस तरह डिफरेंट के साथ हमारे पास जीरो आ जाता है, I with I वन सिर्फ आ जाता है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ जाता है, I with I, I डॉट I, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 जो कि 21 आ जाता है, जे विद जे, जे विद जे डॉट जे, माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, 2 डॉट ए जो कि के डॉट के आ जाता है, 10 इसकी जगह 1, आई डॉट आई से हमारे पास 1 आ जाता है, 21 इससे हमारे पास 1 आ जाता है, जो कि हम नहीं लिखते क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर वही रिजल्ट आ जाता है, 2a के डॉट के से हमारे पास 1, जो कि हम नहीं लिखते क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए 31 ऐसे 31 आ जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो 2a को इस साइड पर रह दिया, छोड़ दिया हमने और 31 को उस साइड पर कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास माइनस 31 हो जाएगा। माइनस माइनस आपस में कैंसिल करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो 31 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू आ गई। तो हमारे हमसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि a की वैल्यू फाइंड करें, क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल गिवन हो कि a की वैल्यू फाइंड करें और फिर हमें b वेक्टर बता दे कि b वेक्टर में c की वैल्यू क्या होगी, तो c के वेक्टर हम c में c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31 डिवाइड बाई 2। अगर पूरे वेक्टर मांगा है तो 2i प्लस 7j प्लस 31 डिवाइड बाई 2k हमारे पास वेक्टर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।